मैं विकास कुमार आपका करता हूं। आज की इस क्लास में 2013 या 2013 का बायोलॉजी क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे प्रीवियस इयर्स में, यानी डीसीईसी पीएम में 2013 का जितना भी बायोलॉजी प्रश्न थे वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जाम्स का फॉर्म निकलते ही क्विजेस और पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट नोटिसेस सब आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जाके जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पे लाइन से आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों का पेज और चैनल का आपको दे रखा है। तो समय ना गवाते हुए जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए, और खासकर टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो मैं आपका डाउट का वहाँ पे आंसर भी दूंगा। तो आपको जो भी डाउट्स हो कोई भी सब्जेक्ट से, तो आप वहाँ पे अपना वहाँ पे फोटो या लिख के भेज सकते हो, मैं वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो ये था आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों में अपना शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स कराइए, और लाइक तो कमेंट करना ना भूलिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका कमेंट, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आपका क्लास के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, क्या कुछ कमी था, तो वो भी अपना कमेंट्स में दीजिएगा, हम प्रत्येक कमेंट्स का आंसर देंगे, और हर प्रत्येक कमेंट्स पे अच्छा लगेगा तो उस पे वर्क भी करेंगे। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोवर, क्लोवर के जैसा कौन सा आरएनए का स्ट्रक्चर होता है आपका। तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन को एक एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस आरएनए की संरचना क्लोवर की पत्तियों के जैसी होती है, यानी क्लोवर लीफ कर लीजिएगा या ऑफ कर लीजिएगा। तो किसकी संरचना क्लोवर लीफ के जैसी होती है, क्लोवर की पत्ती के समान, तो आरएनए, एचआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तो आपको बताना है किसके जैसा होता है। तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपका क्लोवर लीफ के जैसा, पत्तियों के जैसा होता है। तो ये आपका उसका स्ट्रक्चर है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसी प्रकार का होता है। तो ये आपका क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर है, जो कि होता है आपका टीआरएनए, ठीक है। तो ये टीआरएनए का होता है, यानी द अडेप्टर मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं, द अडेप्टर मॉलिक्यूल्स, अडेप्टर मॉलिक्यूल, ये आपका हो गया। तो ये किसका होता है, टीआरएनए का। यहाँ पे क्या होता है, एंटीकोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स होते हैं। एंटीकोडॉन्स क्या हो गया आपका, ए यू जी, और एक लूप चलते रहता है डीएनए में 5:3 का, 5:3 का। तो ये आपका हो गया, और जुड़ते किससे हैं, ये कोडॉन से जुड़ते हैं, जो कि आपका इस स्ट्रक्चर में रहता है। तो आपका ये हो गया टीआरएनए। तो टीआरएनए आपका क्लोवर शेप का, यानी पत्तियों के शेप का रहता है, क्लोवर के पत्ती का, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सही सही देखेंगे तो एल टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, एल, ये एल के शेप का रहता है, तो एल शेप भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर आरएनए का, और ये कहाँ से पूछा गया है आपका, चैप्टर नंबर आपका ये है 6, चैप्टर नंबर 6, टॉपिक नंबर लिख लीजिए, एक बार ज़रूर पढ़िएगा टॉपिक नंबर एनसीईआरटी से, टॉपिक नंबर लिख दीजिए 6.6.2, टीआरएनए करके एक टॉपिक ही है आपका, द अडैप्टर मॉलिक्यूल, क्लास 12। तो एक बार जाके इसको जरूर रेफर कीजिएगा, क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर्स वहाँ पे अच्छे से एक पैराग्राफ में ही पूरा दिखा रखा, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 जेनेटिक्स वाला, ये जो आपका चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल और इस साल भी आपको पक्का प्रश्न यहाँ से एक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सचिनिक डिहाइड्रोजिनेस, या सचिनिक डिहाइड्रोजिनेस जो बोलिए, तो सचिनिक डिहाइड्रोजिनेस का एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होगा। तो आपको बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन से आपका मेलोनेट, ऑक्साएसिटेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या माल्टेट, मेलाटेट,
आपको बताना क्या होता है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इंजाइम्स जो आपके होते हैं अटैच होते हैं जिससे बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट से, ये आपका इंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया ठीक है, और इसके ऊपर इंजाइम आके अटैच होते हैं ठीक है। तो क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, इंजाइम लाइक स्ट्रक्चर्स होता है लेकिन इंजाइम के जैसा काम नहीं करता है, इंजाइम्स के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ये इंजाइम है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ठीक है, इसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसी के सबस्ट्रेट्स के साथ जुड़ जाता है, यानी सबस्ट्रेट्स के साथ जुड़ जाता है और इंजाइम को काम अपना नहीं करने देता, तो इंजाइम काम नहीं कर पाता तो सबस्ट्रेट टूटता नहीं है, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिट कर देता है इंजाइम को वर्क, तो इंजाइम का वर्क को इनहिबिट कर देता है, इसको इनहिबिटर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है जो इसका जैसा दिखता है, इसके जैसा सिमिलर है और काम रोक देता है सुचिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, तो इसका आंसर ए होगा मेलोनेट ठीक है, मेलोनेट आपका इसका आंसर होगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, एक तरह का इंजाइम्स का इनहिबिशन है जहाँ पे इनहिबिटर्स जाके जुड़ जाते हैं और इंजाइम को वर्क नहीं करने देते क्योंकि सेम दोनों स्ट्रक्चर एक ही जैसा दिखता है लेकिन ये काम नहीं करता है कुछ भी, तो ये जाके प्रिवेंट कर देते हैं। और मेलोनेट यही एग्जांपल है जो सिचुनिक डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम को काम नहीं करने देता है और एक्टिव साइट पे जाके, यहाँ तक इसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं, एक्टिव साइट यहाँ जाके जुड़ जाता है और इंजाइम को जुड़ने ही नहीं देता है जिसकी वजह से काम ही नहीं कर पाता इंजाइम, तो सबस्ट्रेट कैसे टूटेगा यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा जब इंजाइम को काम ही नहीं करने देगा, ये जाके इसका जगह ले लेता है, ये जगह ले लेता है जिसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है यानी कॉम्पिटिशन करता है इंजाइम के साथ और इनहिबिट कर देता है, उसको काम ही नहीं करने देता क्योंकि प्रतिस्पर्धा कर देता है, तो ये प्रतिस्पर्धा है, तो ये प्रतिस्पर्धा कर देता है, तो यही इसका कारण है, प्रतिस्पर्धा करके खुद जुड़ जाता है और इंजाइम बेचारा अकेला रह जाता, तो इंजाइम काम ही नहीं कर पाता, तो यही दिक्कत है, तो इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और मेलोनेट आपका करेक्ट आंसर है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आपका इंजाइम्स वाला चैप्टर के ऊपर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि इन द एकोलाई द रिप्रेसर बाइंड टू, यानी इकोलाई में रिप्रेसर इससे जुड़ता है, तो आपका पहला ऑप्शन है रेगुलेटरी जीन से, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटर जीन से, तीसरा है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जीन से और डी आपका प्रोमोटर जीन। तो ए हो गया रेगुलेटरी, बी हो गया ऑपरेटिव, सी हो गया स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जीन से और डी हो गया प्रोमोटर। तो आपको बताना है ये चैप्टर कहाँ से है, पहले ये बता देता हूँ, ये भी जेनेटिक्स का सवाल है लैक ऑपेरिन के ऊपर, लैक ऑपेरिन जाके एक बार ज़रूर पढ़िए क्योंकि दो क्वेश्चन पूछ दिया इसी साल और आगे भी पूछेगा आपको 2021 के एग्जाम में भी, तो बी प्रिपेयर्ड टिप यही आपका। तो आपका यहाँ पे क्लास 12th का है जिनको नहीं पता है, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का। सो क्या होता है इन लैक ऑपेरिन ऑफ इकोलाई ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रेगुलेटरी जीन, एक्टिविटी किसका, रेगुलेटरी जीन का एक्टिविटी से, रेगुलेटरी जीन का एक्टिविटी से आपका क्या होता है, सिंथेसिस होता है किस चीज़ का, रिप्रेशन मॉलिक्यूल्स का तो रिप्रेशन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है जिसके वजह से दिस रिप्रेशन मॉलिक्यूल्स गेट अटैच हो जाते हैं किस चीज़ से, टू ऑपरेटर जीन, किससे अटैच हो जाते हैं, ऑपरेटर जीन से। तो ये आपका आंसर यही मिल गया आपको कि ऑपरेटर जीन होगा आपका आंसर, किससे अटैच होते हैं बाइंड होते हैं, तो ऑपरेटर जीन से। इसके बाद क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अब जब ये अटैच हो जाते हैं ऑपरेटर जीन से, क्यों होते हैं ऑपरेटर जीन से, टू चेक mRNA सिंथेसिस की, mRNA का सिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपका इसका भी कारण है क्यों चेक करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस नो प्रोटीन सिंथेसिस अकर, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, इस वजह से चेक करने के लिए वो लोग अटैच होते हैं ऑपरेटर जीन से और बनता किससे, ये रेगुलेटरी जीन से, रिप्रेशन मॉलिक्यूल्स बनता है जो कि ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ता है। और ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कर लीजिएगा इसको, तो प्रमोटर जीन्स नहीं होगा रेगुलेटरी जीन्स में, तो बनता है रिप्रेशन मॉलिक्यूल्स और ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, तो चेक करने के लिए mRNA सिंथेसिस हो रहा है नहीं, बिकॉज देर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस, इस वजह से। तो ये कारण था आपका थर्ड इकोलाई का लैक ऑपेरिन के ऊपर ये प्रश्न है, एक बार जरूर जाके चैप्टर नंबर 6 को विजिट कीजिए, NCERT पढ़िए,
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म 4 बार आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर में, 2019 क्वेश्चन इतना बार आ चुका है क्या बताऊं मैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये जो बॉट्यूलिज्म का क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम पे है जो फूड पॉइजनिंग है, ये आपका बहुत बार आ चुका है। तो आप ये जो है ये आपका 2020 में आ रखा है, 2019 में आ रखा है, एक बार शायद 2017 में भी है, और एक बार अभी 2013 में। तो ये 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जाके प्रीवियस ईयर मेरा प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा बॉट्यूलिज्म के ऊपर आपको 4 बार सवाल हो जाएगा। जो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या प्रीवियस ईयर से रिपीट होता क्वेश्चन, तो जाके देख लीजिए, आपके पास प्रूफ है, प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ। 2020-2019 का तो देख लीजिए, 2013 में तो अभी दे रखा है, तो 2020 और 2019 में जाके देखिए, सेम प्रश्न है, सेम एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर कर लेगा उसका 50% वर्क हो जाएगा साइंस से, बाकी जो मैं डिटेल्स में करा रहा हूँ वो कर लेगा, तो 60% 70% आपका तैयारी यही हो गया। बाकी आपको एनसीईआरटी बस जो जो चैप्टर बोल रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, आपका हो जाएगा काम। सो यहाँ पे प्लेलिस्ट में मैंने बन रखा है पीएम और पीएमडी प्रीवियस ईयर करके, यूट्यूब पे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको पीएम पीएमडी प्रीवियस ईयर करके प्लेलिस्ट बना रखा है। जितना भी क्लास हो रखा है प्रीवियस ईयर के ऊपर पैरामेडिकल का और पैरामेडेंटल का आगे होगा तो वहाँ पे कराया जाएगा। और जैसे ही एग्जाम्स का फॉर्म निकलेगा मैं आपको क्विज कराना शुरू कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिएगा चैनल को, अगर ज़्यादा मैसेज आता है तो म्यूट कर लीजिएगा, लेकिन जुड़ जाइए चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। भले या इंस्टाग्राम और फेसबुक आप ना जुड़े, लेकिन टेलीग्राम से आवश्यक है कि जुड़ जाइए, ठीक है। क्विजेज वगैरह और हर क्लास के बाद नोट्स, क्योंकि फिजिक्स में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो उसमें अच्छा से हो सके ना मैं लिख पाऊँ स्क्रीन पे, तो उसमें अच्छे से लिख के मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। सो जुड़ जाइए। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो 4 का क्या होगा, था बैक्टीरियम डेट काउसेस बॉट्यूलिज्म। तो फल्केटेटिव एनएरोब यानी विकल्पीय अवायुजीवी, बी है फल्केटेटिव एरोब विकल्पीय वायुजीवी, और सी है अनऑब्लिगेट एनएरोब यानी अविकल्पीय अवायुजीवी, और डी है आपका अनऑब्लिगेट एनएरोब अविकल्पीय वायुजीवी। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से दीजिए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। यहाँ अलग है थोड़ा सा, यहाँ अलग है, आप ये वाला देखिए जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसमें बताइए कि ए होगा बी होगा सी होगा। वो तो हिंदी प्रश्न था कि बॉट्यूलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु कौन होता है, ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी एन ऑब्लिगेट एनरोब। क्या होगा आंसर, सी होगा अवैकल्पीय अवायुजीवी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन रहने वाले ऑब्लिगेट एनरोब। इसका डिटेल में एक बार देख लेते हैं। डिटेल में इसका दिया रखा है कि बॉट्यूलिज्म इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, एक तरह का फूड पॉइजनिंग है जो कि टॉक्सिन से प्रोड्यूस होता है, जो ये बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम करता है, और ये एक तरह का ऑब्लिगेट एनारोब है, और एन ऑब्लिगेट एनारोब इज एन ऑर्गेनिज्म, एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बढ़ता है, और ये अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम के बॉडी पे, और इसके वजह से हमारे सिम्टम्स है वीकनेस आ जाना, ठीक से ना दिखना, थोड़ा सा फील करना, टायर्ड डिफिकल्टी करना, कुछ भी खाने में और बोलने में दिक्कत होना। तो ये बॉट्यूलिज्म आपका फेवरेट टॉपिक है, वी 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 आई पी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बॉट्यूलिज्म 4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, क्या पता 5वीं बार फिर से पूछ दे, तो क्या देख लेना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपपंक फफूंद है, राइजोपस, फाइसेरम, थायोबैसिलस और डी एनाबेना। तो ये स्लाइम मोल्ड कहाँ से पूछा है, इस पे भी एक बार प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ रखा है, पीछे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा स्लाइम मोल्ड के ऊपर, और उसमें भी आंसर आपका फाइसेरम था, और यहाँ भी आपका आंसर फाइसेरम होगा। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का एक आपका एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यानी उदाहरण के ऊपर पूछा गया सवाल है, और मैं हमेशा करते आ रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए क्लास 11th का, साथ साथ चैप्टर नंबर 3 भी बोलता हूँ, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 3-4, ये सब बहुत अच्छे प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका डी फाइसेरम होगा, जो कि एक स्लाइम बोर्ड अपंक फफूंद का उदाहरण है, और भी बहुत सारे होते हैं,
जैसे एग्जांपल हो गया फाइसेल या फ्लुगो, ये सारा आपका एग्जाम्पल है स्लाइम बॉल्स का। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या प्लाज्मोडियम एक स्लाइम मोल्ड का उदाहरण है? यस और नो आपको बताना है, स्लाइम मोल्ड का उदाहरण है प्लाज्मोडियम, यस और नो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का अपंग फफूंद का, तो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सातवां प्रश्न आपसे यह है कि यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, यानी यूरिक अल मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जन पदार्थ होता है किन में? मनुष्य में, केचुओं में, कॉकरोचेज में या मेंढक में, यानी ह्यूमंस, अर्थवॉर्म, कॉकरोचेज एंड फ्रॉग। क्वेश्चन पूछा यूरिक एसिड किसका सबसे ज्यादा मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है, मुख्य उत्पाद है, पदार्थ है उत्सर्जन का। ठीक है, तो आपको बताना है एक्सक्रीटरी किसका मेन है, वेस्ट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि यूरिक एसिड कैसे होगा। तो सबसे पहले कॉकरोचेज में एक्सक्रीट होता है यूरिक एसिड, कॉकरोचेज में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, और यही इसका सबसे चीफ चीफ एंड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। ठीक है, मैन में यानी ह्यूमंस में, यानी ऑप्शन का नंबर इसका सी होगा कॉकरोचेस, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मैन जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, ये यूरिया करते हैं हम लोग ह्यूमंस, हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बाय प्रोडक्ट में। अर्थवॉर्म भी आपका करते हैं, लेकिन 40% यूरिया करते हैं, 40% यूरिया और 20% अमोनिया NH3 यानी अमोनिया, और 40% अमाइनो एसिड। तो ये तीन चीज़ करते हैं, 40% यूरिया, 20% अमोनिया और 40% अमाइनो एसिड्स। और फ्रॉग का तो यूरिया ही होता है आपका चीफ नाइट्रोजनस रेट, तो बचा क्या कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस आपका सही है। तो मैंने चारों का लिस्ट बना दिया, नोट्स बना लीजिएगा, और ये वाला चैप्टर आप खुद समझिए कहाँ से पूछा है, ये अर्थवॉर्म, कॉकरोचेस, फ्रॉग, ये वाला चैप्टर कहाँ से है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये सवाल किस चैप्टर से आया है, ये चैप्टर नंबर कहाँ से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे हम लोग अर्थवर्म पढ़े हैं, फ्रॉग भी पढ़े हैं, कॉकरोचेस भी पढ़े हैं, सारा चीज़ का पढ़े हैं, वहीं पे प्राइड प्रोडक्ट्स, उसका स्ट्रक्चर्स सब बताया गया, तो एक बार देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 7, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ ना कि आपका चैप्टर बेस्ड ही पूछता है और एग्जाम्पल बेस्ड ही पूछता है, तो चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सब चीज़ दे रखा है, मॉर्फोलॉजी, आपका एनाटॉमी, सब चीज़ का, कॉकरोचेस का, अर्थवर्म का, फ्रॉग का, तीनों का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इजी है, हो गया, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, यानी आपका बुलेरियन मिमिक्री, बी वार्निंग कलरेशन, सी सोशल इंस्टेक्ट और डी कैमोफ्लाज। तो प्रेइंग मैंटिस क्या होता है, ये हम लोग सुन रखे हैं इकोलॉजी चैप्टर में। प्रेइंग मैंटिस क्या है कि जो प्रे करते हैं, मतलब शिकार करते हैं किसी और जानवर के ऊपर, यानी कार्निवोरस एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, वो क्या करते हैं, घात लगाकर छुप कर हमला करते हैं, तभी तो वो प्रे कर पाएंगे, प्रेडेटर्स कहलाते हैं वो, प्रेडेटर्स। तो वो किस तरह से घात लगा कर छुप कर करते हैं, तो छुप कर करना यानी कैमोफ्लाज, डी आपका सही आंसर होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा सही आंसर, तो प्रेइंग मैंटिस, प्रे करना। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आपको मलेरियन मिमिक्री क्या होता है, ये चीज़ आपका होमवर्क है, पता करना है क्या होता है, ये होमवर्क है, मलेरियन मिमिक्री क्या होता है, ये मिमिक करना क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि सिनेप्सिस टेक प्लेस बिटवीन, सूत्र युग्म होते हैं इनमें से, इनके मध्य में एक नर तथा एक मादा युग्म के बीच में, mRNA और राइबोसोम के बीच में, तुर्क तंतुओं और सेंट्रोमेयर के बीच में, दो समजात गुण सूत्र के बीच में। तो आपको बताना है मेल फाइबर, मेल एंड फीमेल गैमेट, mRNA एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमर और टू होमोलोगस क्रोमोजोम। तो आपको सिनेप्सिस का अर्थ क्या है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होते हैं, सिनेप्सिस हम लोग सुन रखे हैं, तो ये होमोलोगस में होते हैं,
आप देख सकते हो कि इस साल जेनेटिक्स से कितना सवाल आपका आ गया, तो दो होमोलोगस के बीच में होता है, यानी दो समजातीय गुणसूत्र के बीच में, ये सूत्र युग्म इनके मध्य में बीच में होता है, सिनेप्सिस मतलब दो क्रोमोजोम्स के बीच को जोड़, सिनेप्सिस बोलते हैं उसको। तो आपको ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये भी चैप्टर नंबर 6 से 6.5 से, क्लास 12 जेनेटिक्स वाला चैप्टर। तो आप देख सकते हो 203 क्वेश्चन जेनेटिक्स से इस साल पूछे गए, और 102 प्रश्न जो आगे चल के आपको रिपीट भी होंगे। तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन आपको पुराना, और यहाँ तक का 2013 तक का आज हो गया आपका, यानी 2013 से 20 तक का आपका पूरा प्रीवियस ईयर हो चुका है बायो का, केमिस्ट्री का भी जल्द होगा और फिजिक्स का भी जल्द होगा। तो चैनल पे बने रहिए, आपको पूरा मैं करवा दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पीएम पीएमडी करके पैरामेडिकल का पूरा है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और कैसा लगा आपको आज का क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक तो अभी कर दीजिए, लाइक में कोई कमी नहीं, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, ठीक है, शेयर करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, तो शेयर करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए, फॉर बिहार पैरामेडिकल, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए, और कट ऑफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। इसी के साथ आज की क्लास मैं करता हूँ समाप्त, कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉच।